प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सड़कों पर गड्ढा खत्म ना होने पर योगी सरकार सख्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारी नहीं मान रहे हैं आदेश। नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। हजरतगंज के लीला सिनेमा के पास की सड़कों में हैं गड्ढे। तमाम लोग गड्ढों के चलते हो जाते हैं हादसे का शिकार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बातें की जाती हैं गड्ढा मुक्त सड़कों की, पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारियों के चलते सड़कों पर गड्ढा खत्म होने पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारी आदेश नहीं मान रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बता दें नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सड़कों पर गड्ढा खत्म ना होने पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर सख्त कड़ा फैसला सुनाते उन्होंने निर्देश दिया है कि नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। वहीं आपको बताएं मयूरी कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जून तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, मगर हुआ उल्टा। कहीं ना कहीं सड़क जो प्रदेश की सड़कें हैं वो अभी गड्ढा युक्त हैं। तो अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा रुख अपनाते हुए अब उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि जल्द से जल्द इसे गड्ढा मुक्त किया जाए और नवंबर तक का उन्होंने वक्त दिया है। तो अब अधिकारियों के लिए चुनौती है कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, क्योंकि लगातार सरकार गड्ढा मुक्त करने की वादे करती है, मगर अभी सरकार योगी सरकार 2.0 चल रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो गड्ढा मुक्त को लेकर सरकार को कोसती रही और कहती रही कि इसमें से दो प्रमुख मांगे थी, पहला आवारा पशुओं का से निजात दिलाना और दूसरा था गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाना। इसको लेकर विपक्ष चुनाव में हमलावर थी। उसके ठीक बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकार के 6 महीने पूरे कर चुके हैं दूसरी सरकार के, अब उन्होंने इसको सक्रियता से आदेश दिया है कि पीडब्ल्यूडी के अफसरों की लापरवाही नहीं चलेगी और अफसर पूरे जो गड्ढा मुक्त करने का उन्होंने आदेश दिया है इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें और नवंबर तक पूरे प्रदेश का जो सड़कें हैं उसको गड्ढा मुक्त करें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए बड़ा चुनौती का विषय है, क्योंकि महज देखा जाए तो महीने भर के भीतर पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। अब देखने वाली बात यह होती है कि मुख्यमंत्री के निर्देश को कैसे पूरा करते हैं पीडब्ल्यूडी के अफसर। और लगातार बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में गड्ढा मुक्ति को लेकर लगातार आदेश देते रहे, अल्टीमेटम देते रहे, मगर लापरवाह अफसरों की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश की सड़कें गड्ढायुक्त तो होती चली गई। आमतौर पर देखा जाए कि जो सड़कें बनाई जाती हैं वो साल भर के अंदर टूट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के अफसरों को इस बार पूरी निगरानी रखनी होगी कि जो सड़क बनाई जाती है वो उसे एक बरसात नहीं झेल पाती है, वो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं अब क्या कारण है कि जो नई सड़कें अभी बनती हैं वो उखड़ जाती हैं? क्या ये अधिकारियों के जो करप्शन वगैरह चल रहा है, क्या इसके कारण है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर साल भर के भीतर सड़कें टूट रही हैं तो ये भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री इस पर निर्देश दिए हैं और ये अगर कहीं भ्रष्टाचार पाया जाता है तो मुख्यमंत्री को कड़ा रुख अपना सकते हैं। लगातार आप देखते हैं कि पूरे पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री अपने कार्य प्रणाली के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा सूबा जहाँ पूरे पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री काम करते हैं,
तो कहीं ना कहीं अब एक जो भी लापरवाही करेगा उस पर मुख्यमंत्री आदेश देकर उस पर कहीं ना कहीं इन पे गाज गिर जा सकती है। जहां चुनौती का विषय है कि पीडब्ल्यूडी को एक महीने के भीतर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, तो वहीं अच्छी गुणवत्ता की सड़क भी बनानी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर सीजन बारिश होती है तो सड़क पूरी गड्ढा युक्त हो जाती है। तो इस बार देखने वाली बात यह होगी कि जो महीने भर के भीतर सड़क बनाई जाएगी उसका क्या हाल होगा 6 महीने के बाद, क्योंकि अगर देखें तो जिन सड़कों को बनाया जाता है वो एक बरसात के बाद वो गड्ढा युक्त हो जाती है। अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ के ऐसे कई सारे प्रमुख सड़क हैं, जैसे मैं बात करूं तो जनेश्वर मिश्र पार्क को दयाल चौराहे से जोड़ने वाली सड़क अगर देखें तो बार बार उसे बनाया जाता है और महीनों के भीतर वो टूट जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो हजरतगंज के लीला सिनेमा का आप सड़क देख सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अब लालबाग को जोड़ने वाली सड़क कहीं ना कहीं पूरी तरह से गड्ढा युक्त है। तो इसमें लापरवाह अफसर और लापरवाही तरीके से ठेकेदारों को जो आवंटित किया जाता है उसके वजह से सड़कें टूटते हुए नजर आती हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विशेष निगरानी रखकर और अफसरों को पूरे सक्रियता के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ इस तरह के ठेके आवंटन करने की आवश्यकता है, जो मजबूती के साथ काम करे और पैसों का बंदर बांट न कर सके। जी मयूरी जी, विवांशु, जहां सरकार एक तरफ गड्ढा युक्त के लिए अभियान चला रही है लगातार, वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा लगातार लापरवाही सामने आ रही है, तो इसकी क्या वजह है जो लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताया कि जहां प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्ति को लेकर लगातार अगर देखे तो पिछले 5 साल और इस बार का 6 महीने सरकार हो चुके हैं योगी सरकार 2.0 के, तो कहीं ना कहीं उस पर अफसरों पे फटकार लगाती रही है। और इस बार मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी अफसरों को एक चैलेंज दिया है कि आपको एक महीने के भीतर यानी कि अगले महीने नवंबर तक पूरे प्रदेश की सड़कों को और इस 25 करोड़ आबादी वाले जो प्रदेश है इसकी हर एक जगह की जो सड़कें हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं, उसको गड्ढा मुक्त बनाने का उन्होंने निर्देश दिया है। मगर आपने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले लगभग प्रदेश की जो मुख्य मार्ग थे उसको गड्ढा मुक्त नहीं किया गया, बल्कि उससे पैचिंग की गई, जो सड़कें जहां टूटी थी वहीं बनाई गई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडब्ल्यूडी के अफसर इस बार कैसे सड़क को बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या होती है। वहीं अगर देखा जाए तो आपके सवाल पर, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाह ठेकेदार हैं जिनको आवंटित की जा रही है सड़कों का निर्माण, उन पे भी पीडब्ल्यूडी विभाग को निगरानी रखकर ठेके को आवंटित करने की आवश्यकता है, जो मजबूत सड़क बना सके, साथ ही उनको एक समय निर्धारित करके ठेका देने की आवश्यकता है कि एक जो अवधि होती है, अवधि से अंदर अगर सड़क टूटती है तो ठेकेदार पर कार्रवाई हो, आवंटित करने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार का पैसा जो आम जनता का टैक्स सरकार को जाता है उस पैसों का बंदरबांट ना हो सके, अब मजबूत सड़क उत्तर प्रदेश में बने। जी जी, धन्यवाद भुवांशु तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।